हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर खबर। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको एक ऐसा गांव जहां लड़कियां तरसती है शादी के लिए और उन्हें कोई मर्द नहीं मिलता। तो चलिए बताते हैं वो कौन गांव है। हमारी दुनिया अजीबोगरीब कहानी से भरी पड़ी है। क्या आप कभी ऐसा सुने हैं, लड़कियों को शादी के लिए तरसना पड़ता है, उन्हें कोई लड़का नहीं मिलता जिनसे वो शादी करें। ब्राज़ील का नाम तो सुना ही होगा। ब्राज़ील में ही एक ऐसा गांव है जिसका नाम है क्यूनो यूओ टोकबदी। इस गांव की नींव मरिया सेमोरिना डिलिन ने रखी थी। उन्हें 1851 ईस्वी में घर से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद इस गांव की स्थापना की थी। यहां 18 से 28 वर्ष तक की लड़कियां कुंवारी मिलेगी। लगभग 1800+ महिला वाली आबादी वाले इस गाँव में 300 से ज़्यादा लड़कियों को शादी के लिए लड़का नहीं मिलता, पर इन मजबूर लड़कियों को शादीशुदा लड़के से ही शादी करनी पड़ती है, वरना पूरी ज़िंदगी कुंवारी ही बितानी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहरी दुनिया से कोई संपर्क साधन नहीं किया। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का उम्र 20 से 30 वर्ष का है। इस गांव में रहने वाली सभी मर्द या तो शादीशुदा है या फिर रिश्तेदार हैं उनके। लड़कियाँ शादी करना चाहती हैं, पर ऐसा चाहती है लड़का इसी गाँव में रहे और उनके नियम कानून पर चले। इस गाँव में खेती किसानों से जुड़े सभी काम महिलाएँ ही करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।